नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं वीके न्यूज और मैं हूं आपके साथ ज्योति सिंह। सियासत के इस सफर में मोदी सरकार एक के बाद एक बड़े फैसले ले रही है, कभी देश के गरीब किसानों के हित में तो कभी सीमा पर तैनात सैनिकों के लिए। जहां एक ओर सरकार गरीब किसानों के लिए पेंशन योजना लेकर आई है तो वहीं दूसरी ओर शहीद जवानों के बच्चों के लिए स्कॉलरशिप योजना उन्हें तोहफे में दी है। इसी बीच देश की मोदी सरकार ने देश के बदलाव के लिए एक और बड़ा फैसला लिया है। जी हाँ, मोदी सरकार ने 1984 बैच के IPS अधिकारी सामंत गोयल को रॉ चीफ के तौर पर नियुक्त किया है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि रॉ चीफ का पद संभालने जा रहे सामंत गोयल हैं कौन? अगर नहीं तो चलिए हम आपको बताते हैं। लेकिन इससे पहले आप ये जान लीजिए कि रॉ यानी कि जिस एजेंसी के चीफ के तौर पर सामंत को नियुक्त किया गया है वो है क्या। हर देश अपनी सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम रखता है और देश की सुरक्षा से ही जुड़ी होती है खुफिया एजेंसी, जो देश से जुड़ी गुप्त जानकारियों को बाहर निकलने से रोकती है और देश में होने वाले किसी भी तरह के हमले को समय से पहले ही भांप लेती है ताकि देश की सुरक्षा को आंच ना आए। हर देश की अपनी एक खुफिया एजेंसी होती है, ऐसे ही भारत की भी खुफिया एजेंसी है जिसे रॉ कहते हैं, जो हर समय सतर्क और चौकन्नी रहते हुए देश की सुरक्षा में डटी हुई है। अब रहा सवाल ये कि सामंत गोयल है कौन, तो चलिए ये भी बताते हैं। 14 फरवरी 2019 को पुलवामा में हुआ आतंकी हमला तो आपको याद ही होगा। जी हाँ, वही आतंकी हमला जिसमें देश के करीब 44 CRPF जवान शहीद हो गए थे, जिसके बाद भारत ने जवाबी कार्रवाई में पाकिस्तान के बालाकोट में एयर स्ट्राइक कर करीब 300 आतंकियों को मार गिराया था, जिसे पाकिस्तान पर भारत की एक बड़ी जीत माना गया। पाकिस्तान के खिलाफ की जाने वाली इस एयर स्ट्राइक के मास्टरमाइंड थे सामंत गोयल। जी हाँ, 26 फरवरी को बालाकोट में की गई एयर स्ट्राइक की मास्टर प्लानिंग सामंत ने ही की थी। और न सिर्फ बालाकोट एयर स्ट्राइक बल्कि सितंबर 2016 में की गई उरी सर्जिकल स्ट्राइक की प्लानिंग भी गोयल ने ही की थी, जो कि उरी आर्मी ब्रिगेड पर हुए आतंकी हमले के जवाब में थी। आपको बता दें कि रॉ चीफ के तौर पर नियुक्त होने से पहले सामंत दूसरे देशों से जुड़ी इंटेलिजेंस से जुड़ी एजेंसी के संचालन भी संभाल रहे थे। तो दोस्तों, रॉ चीफ के तौर पर नियुक्त किए गए सामंत के बारे में आपकी क्या राय है ये हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।